आगे आई है उसको लेकर के एक आर्टिकल है कि कैसे काम कर सकते हैं ये लोग। तो बेसिकली ब्रिक्स तो आपको पता होगा, पांच कंट्रीज मिलके ब्रिक्स बनाती है, जिसमें पहली कंट्री है ब्राजील। देखिए यहाँ मैप मैंने लगा रखा है और हियर यू कैन सी दैट डिफरेंट कंट्रीज लाइक आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके सी यू कैन सी इन दिस मैप दैट डिफरेंट कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो दीज फाइव कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स वॉज अ लिटिल बिट अबाउट ब्रिक्स दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। ब्रिक्स वॉज फॉर्म्ड इन 2009। अर्लियर इट वॉज ओनली BRIC, ओनली फोर कंट्रीज वर देयर, बट लेटर ऑन इन 2010 वन मोर कंट्री ज्वाइंट, दैट वॉज साउथ अफ्रीका दैट ज्वाइंट इट। तो स्टार्ट करते हैं। ये अब आर्टिकल में कह रहा है कि द न्यू डेवलप बैंक का एक फाइनेंशियल मॉडल है, वो कह रहा है कि एक टेम्पलेट की तरह काम कर सकता है, एक मॉडल की तरह काम कर सकता है, जो एड्रेस कर सकता है इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर को। तो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक ग्लोबल टाइप का जो वॉर चल रहा है नोवल कोरोना वायरस के अगेंस्ट में, एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक ब्रिक कंट्रीज दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका हैव रीच्ड आउट टू अदर कंट्रीज हम्बल्ड बाय द पेंडेमिक। एंड व्हाट इंडिया हैज डन, इंडिया इज नोन फॉर मेकिंग जेनेरिक ड्रग। जेनेरिक ड्रग क्या होते हैं? जेनेरिक ड्रग वो होते हैं जो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होते हैं और सस्ते होते हैं, और पेटेंट ड्रग जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। इसीलिए मैं एक आर्टिकल पहले अभी पीछे डिस्कस करूंगा ताकि आपको जेनेरिक और पेटेंट के बारे में पता चल जाए क्या होता है। तो इंडिया हैज ट्रांसपोर्टेड दिस हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन ड्रग। एज यू कैन सी हियर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस ड्रग इंडिया हैज ट्रांसपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, एंड इंडिया हैज रिसेंटली एक्सपोर्टेड बट नॉट ओनली टू सार्क कंट्रीज को ही नहीं किया है, बाकी और भी एक्सटेंडेड नोवर आउट इन द गल्फ कंट्रीज, गल्फ को भी किया है। और ये जो मेजर कंट्रीज है इन रशिया, ब्राजील, इसराइल, US, इनको भी ये ड्रग इन्होंने ट्रांसपोर्ट किया है। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है कि सार्क कंट्रीज में व्हाट आर द कंट्रीज दैट आर पार्ट ऑफ सार्क। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए सार्क कंट्रीज, एक मिनट कोई, ये देखिए बेसिकली सार्क कंट्रीज, ये देखिए ये सार्क कंट्रीज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज नॉट अ सार्क कंट्रीज। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक्रोनिम आपको दिया है, इससे आप इजीली यू कैन रिमेम्बर दैट विच कंट्रीज आर सार्क कंट्रीज, एंड इट इज लाइक अपनी MBBS, APNI MBBS, एंड यू कैन इजीली रिमेम्बर दी सार्क कंट्रीज एंड यू कैन एलिमिनेट, लाइक ए स्टैंड फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मालदीव, बी फॉर बांग्लादेश, देन अगेन बी फॉर भूटान एंड एस फॉर श्रीलंका। एंड इन दिस मैप ऑल्सो यू कैन सी दी सार्क कंट्रीज सो दैट यू कैन इजिली रिमेम्बर, एंड इट कैन ऑल्सो आस्क वॉट इज दी फुल फॉर्म ऑफ सार्क। सार्क फुल फॉर्म इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो नाउ हियर यू गॉट द आइडिया अबाउट दी सार्क कंट्रीज ऑल्सो, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस आर्टिकल। डिस्पाइट एलिगेशंस दैट इट हैज डिलेड साउंडिंग द अलार्म अबाउट COVID-19 इन्फेक्शन दैट इज ब्रोकन आउट। ये कह रहा है कि यहाँ जो एलिगेशंस वगैरह जो लगे थे चाइना पे कि वुहान प्रोविंस में ये जो COVID-19 है वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, चाइना ने रिमार्केबली एक अच्छा काम किया है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेस्पॉन्स उसका बहुत अच्छा रहा है डिजीज को लेकर के, एंड इट हैज प्रोवाइडेड सम ऑफ दी थिंग्स हेयर, दीज थिंग्स आर मेंशनड एज हार्डवेयर, मास्क, ग्लोब, कवरल्स। कवरल्स होते हैं जो ऊपर से नीचे तक एक कपड़े में कवर हो जाते हैं, उसको कवरल्स बोलते हैं। शू कवर्स, टेस्टिंग किट्स टू द हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स आपको पता होगा जहां पर बहुत ज्यादा कोविड के केसेस आ रहे हैं वो हॉटस्पॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। अंडर इट्स हेल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्राइन। अब ये आपसे पूछ सकता है कि हेल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्राइन किसकी है, तो चार ऑप्शन देगा आप उसको, उसमें आप मार्क कर सकते हो ये चाइना की है, क्योंकि तो जो सिल्क रोड है वो चाइना का एक
बर्थ वहीं से ओरिजिन किया गया है, ये टर्म जो है। तो हेल्थ सिल्क रोड डॉक्ट्राइन उन्होंने बना दिया है, उसमें भी इन्होंने ईरान इटली सब की मदद की है, और ये सब चीजें इन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड ऑल द इक्विपमेंट्स, रेस्पिरेटर्स, प्रोटेक्टिव सूट्स, मास्क, मेडिकेशंस, एवरीथिंग इन रोम एंड इन एवरी मींस दे हैव मोस्टली रीच्ड आउट टू मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर हेल्पिंग नाउ। तो डिस्पाइट फाइटिंग वायरस एट होम, रशिया जो है, रशिया हैज आल्सो हेल्प सेंड इट्स डॉक्टर फॉर द रिसर्च पर्पस, वायरोलॉजिस्ट। वायरोलॉजिस्ट वो होते हैं जो वायरस की स्टडी करते हैं। सो रशिया हैज सेंड इट्स डॉक्टर एंड वायरोलॉजिस्ट, ठीक, ओके, इंक्लूडिंग लॉन्च ऑफ फेमस, यू कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम दैट फ्रॉम रशिया विद लव एयर मिशन जो है वो कहाँ पे गया था, तो इटली गया था, ये आप ध्यान रखिएगा, फ्रॉम रशिया विद लव एयर ये मिशन था, और पूछ सकता है आपको कि कौन सी कंट्री में गया था, तो इटली में गया था ये, ठीक है। एट प्रेजेंट यूएस एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने भी रिक्वेस्ट किया उनसे, तो रशिया रशिया ने कहा ये एंटोनोव 124 था, यहाँ से इसने मेडिकल सप्लाईज लेके गया और ये न्यूयॉर्क में इन्होंने पहुंचाया, जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट का भी नाम ध्यान रख सकते हो, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन ऐसे ही याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिंस सोवियत टाइम्स रशिया हैज टॉप ऑफ द लाइन ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज, काफी रशिया हेल्प करता ही रहा है इस रूप से, और चाहे वो किसी तरीके की भी इमरजेंसी हो, चाहे वो बायोलॉजिकल अटैक की हो, चाहे किसी भी तरीके की हो, रशिया हमेशा हेल्प किया होगी। फिर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो साउथ अफ्रीका है, द करंट रोटेटिंग हेड ऑफ द अफ्रीकन यूनियन इज एंगेज इन फ्रेमिंग पैन अफ्रीकन रेस्पॉन्स, ये भी पैन अफ्रीकन रेस्पॉन्स को करने में लगा हुआ है अफ्रीका भी, और जो ब्राजील ब्राजील है उसको इसने करेक्शन करने के लिए बोला है, क्योंकि वहां पर चेन जो है ट्रेवल बैन से भी नहीं हट रही है। फिर कह रहा है कि एक यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ करके है, ये इससे रिलेटेड है, तो इसको इसको लेकर के एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इसको लाया जाए और WHO के साथ पार्टनरशिप की जाए, यूरोप के साथ, नॉर्थ अफ्रीका के साथ, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप ये भी वर्स्ट अफेक्टेड है और ये इसमें हेल्प करें, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो सांघाई बेस्ड है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बना है वो ब्रिक्स कंट्रीज ने बनाया है और इसका हेडक्वार्टर वही है सांघाई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सांघाई बेस्ड, ओके। तो ये है कंट्रीज है ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेटेड द वे फॉरवर्ड टू एलोकेट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कॉम्बैट COVID-19। फिर कह रहा है कि एक और फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि NBD के, यही आपको पूछेगा कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो KV कामत जो है वो प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और ये फंडिंग वगैरह दी हुई है कि कितना फंड जो है इमरजेंसी में 1 बिलियन वगैरह दिया जा रहा है और आगे कितना ये लोग दे सकते हैं, इस तरीके का दिया हुआ है इस आर्टिकल में। तो अब इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर हो ही रही होगी आपकी मेरे में, अब आप इसका क्वेश्चन आंसर है, आप इसको चाहे तो टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, आपको 10-10 सेकेंड्स दिया जाएगा हर उसके लिए, और आप इसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, जैसे इन विच कंट्री ब्रिक्स वाज फाउंड मैंने आपको बताया था, तो आप इसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं आपको 10-10 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, तो इससे आपको ओके ईशा उमर 2009, ओके आप जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हो। फिर आई ऑल्सो टोल्ड यू विच वॉज दी लास्ट कंट्री हु ज्वाइन दी ब्रिक्स, ब्रिक्स में लास्ट कंट्री किसने ज्वाइन किया था, साउथ अफ्रीका, ओके। अब विच कंट्री विल होस्ट दी 11th ब्रिक्स समिट 2019, ओके ब्राजीलिया, हाँ ब्राजीलिया में हुई थी, ब्राजील में ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी में इसी पैसे से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट 2020 की कौन होस्ट करेगा, नाइस नितिश सिंह, वेरी नाइस ब्राजीलिया, ये जल्दी बताइए ब्रिक्स समिट 2020 की कौन होल्ड करेगा, 10 सेकेंड्स है मेरे पास, टाइमर है चल रहा है, बी नहीं नहीं बी नहीं, इंडिया होस्ट नहीं कर रहा है 2020 की, 2020 की रशिया, रशिया होल्ड करेगा। अच्छा 2019 की ब्रिक्स समिट की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम, थीम कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, ओके इफ यू डोंट नो
डोंट वरी, यू कैन टेल मी, आई विल टाइप. जो थीम थी मैं इसको शेयर कर दूंगा ग्रुप में पीडीएफ को, इसकी थीम थी इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर. इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर, एक बार आप ऐसी रफली लिख भी सकते हो तो एक आपके ब्रेन में प्रिंट हो जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था. जब आप ऑप्शन पढ़ोगे सिमिलर, ऐसी रफली कहीं भी लिख लीजिए और मैं जब अभी इसको मैं फिल कर दूंगा बाद में जब मैं शेयर करूंगा. अच्छा, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Where is the headquarter of WHO? WHO we have also seen in this article was discussed. So where is the headquarter? Anyone? Headquarter of WHO? Okay. No one. Okay. WHO headquarter है जेनेवा में. जेनेवा है स्विट्जरलैंड में. इसके मैं मैप भी आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम तो आपको याद रह जाएगा. ओके, नाउ इन विच ईयर WHO केम इनटू एग्जिस्टेंस, कब WHO बना था? हेलो, WHO इन विच ईयर WHO केम इनटू, या नाइस, अच्छा गुप्ता, वेरी गुड, 1948, सेवन, या दिवंकर गुप्ता, इट्स 1948, ओके, WHO वाज फॉर्मड इन 1948, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन WHO? करेंटली हाउ मेनी मेंबर्स, या वेरी नाइस नितिश सिंह, आंचल गुप्ता, 91-94. Now, who is the Director General of WHO? He was in lot of controversy recently with China pandemic that is going on currently. He made a lot of controversy that he did not inform the other countries that community to community spread is going on. And China distorted its fact and hidden its fact that it's not community to community. So, who is the Director General of WHO? Dr. Tedros. Okay, yes, nice, very good. आप लोग बस याद रखना, चाहे फर्स्ट नेम याद रख लीजिए, कोई आपसे पूछेगा तो है नहीं कि पूरा नाम बताओ, आपको बस ऐसे देखना है, आपको याद आ जाना चाहिए. आप कोई तीन पार्ट में इसका नाम, इनका नाम है, मैंने खुद ही दो पार्ट में याद कर रखा है, हाँ यही वाला नितिश टेड्रोस एडेनॉम करके, आप कोई भी पार्ट याद रख सकते हो वहां पर, बस आपको याद आ जाना चाहिए, अच्छा टेड्रोस करके कुछ था तो था. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सौम्या स्वामीनाथन, वेरी गुड वैष्णवी दीक्षित, एग्जैक्टली सौम्या स्वामीनाथन इज द फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO. ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस पेज, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सी नाउ दिस क्वेश्चन, विच ड्रग वॉज रिसेंटली गिवन बाई इंडिया टू US एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, दिस इज वेरी इजी. हाँ, ऑप्शन मिलने पर ब्रेन पे हिट हो जाएगा, पर अभी प्रैक्टिस में अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा और तब ब्रेन में हिट होगा तो सोचो वहां पर जब ऑप्शन दिखेगा तो कितना ज्यादा ब्रेन में हिट होगा, ये भी तो सोचो. ऑप्शन तो मैं दे ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, कितना भी मिस्टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. या ईशा उमर, वेरी नाइस, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन, ऑप्शन भी मैं दे दूंगा, अगर आप बोलोगे मैं ऑप्शन दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे प्रैक्टिस में अगर हिट करने की कोशिश करोगे, ब्रेन वॉबलिंग करोगे, तो आपका बहुत मतलब और भी फैक्ट्स आपको याद करने का आपका वो बढ़ेगा, जो ग्रे एरिया होता है ना ब्रेन में, उसमें आपका और भी स्टोर करने का बढ़ेगा अगर आप उसको सोचोगे कि क्या था क्या लिखना है. हाँ वही वही यही मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन तो मैं दे दूंगा, ऑप्शन देने में क्या है, 5 मिनट में ऑप्शन सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे आप हिट करने की कोशिश करोगे तो वहां पर तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो एकदम अंदर से अलग ही खुशी होगी कि अरे वाह एकदम से आ गया बिल्कुल याद देखते ही. ठीक है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, अभी हम लोगों ने देखा था, केवी कामत, या राइट. इन विच ईयर न्यू डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड, ये तो मेरे को भी नहीं पता, आप लोगों को पता है क्या? आई हैव आल्सो नो आइडिया अबाउट दैट, इन विच ईयर न्यू डेवलपमेंट बैंक, आई एक्चुअली ओनली नो दैट ब्रिक्स कंट्रीज एस्टेब्लिश्ड दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक. Okay, where is the headquarter of New Development Bank? I think this is very easy. BRICS headquarter and yeah, Shanghai, China. Yes. See, you can actually देखिए यहीं पर connect करना है. अब मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि
न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लेकिन आपको ये पता है कि ब्रिक्स कंट्रीज ने ही न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। तो अब अगर ब्रिक्स ने अपना बनाया है और आपको ब्रिक्स का हेडक्वार्टर पता है कि वो शांघाई में है और आपको ये पता है कि वो शांघाई में है, तो आप इजिली कनेक्ट कर सकते हो ऑप्शन देखकर कि हाँ अगर इसका हेडक्वार्टर वहाँ है तो लोकेलिटी वजह से पास होने की वजह से न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर वहां हो सकता है। इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यला आर्टिकल ठीक लगा आप लोग को? कुछ ठीक था, आगे चले? चलो बढ़िया है। अब मैं आप लोग को एक आर्टिकल कहानी सुनाता हूँ एक आर्टिकल की, और उसमें कुछ कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह दिए हुए हैं एज अ फैक्ट। हाँ, एस्टेब्लिश इन 2014। देखिए मुझे याद आ गया देख के, ऐसे नहीं याद आता लेकिन आपने लिख दिया तो मुझे ध्यान आ गया देख के 2014। इसी तरीके जब आप वहाँ ऑप्शन देखोगे ना, अभी आप ऐसे हिट कर रहे हो, सीधे आंसर लिख रहे हो, अपने माइंड में थोड़ा पुश कर रहे हो अपने माइंड को, तो माइंड का भी एक वो होता है कि जितना आप पुश करोगे ना वो उतना एक्सपेंड होता जाएगा। और अभी मैंने देख लिया, अगर मैं ऑप्शन देखा 2014 तो मुझे याद आ जाता कि हाँ 2010 में 2009 में ब्रिक्स बना था, और फिर मैं उसको रिलेट करता कि इसकी फर्स्ट मीटिंग यहाँ हुई थी, फिर ऐसे में करके रिलेट कर लेता कैसे भी करके। और आपने लिख दिया है, मेरे को ध्यान आ गया 2014 है। इसी तरीके से ऑप्शन जब आप देखोगे एकदम से तो आपको ध्यान आ जाएगा। चलिए अब यला आर्टिकल में कुछ चीजें हैं, ज्यादा तो नहीं है, इसका भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये स्क्रीन शेयर करने में ये चैट बॉक्स भी दिख रहा है क्या मेरा? ये आपसे हाइड तो नहीं हो रहा है क्या? आपको स्लाइड क्लियर दिख रही है? यस, टाइप कर दीजिए अगर स्लाइड क्लियर दिख रहा हो। इफ यू कैन क्लियरली सी दी स्लाइड प्लीज टाइप यस। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके नितेश, ओके ईशा, ओके आंचल, चलिए शुरू करता हूँ यला आर्टिकल। देखिए ये पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर करके है। ये क्या हो गया? हाँ, पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर करके है। अब इस आर्टिकल में देखिए क्या कह रहा है, ये एक नेपाल के राइटर है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, और ये बोलते हैं कि साउथ एशिया में जो पेंडेमिक है वो बहुत ही कम हिट, बहुत ही कम, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है साउथ एशिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि साउथ एशिया में कहाँ है, क्या है साउथ एशिया, थोड़ा सा देखने में उससे दिक्कत हो रही हो, तो मैं आपको साउथ एशिया दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है साउथ एशिया, ये रीजन है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आर्टिकल में क्या बोला, ये साउथ एशिया है। ऐसे मैप देखते रहेंगे ना तो बहुत चीजें आपको ऐसे ही, अभी नहीं आपको लग रहा पर आगे बहुत काम आएंगी, थोड़े दिन में आपको फैमिलियर हो जाओगी सब चीजों से तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो और अभी अगर डिसइंटरेस्ट ऐसा सोचने लगोगे कि अरे ये क्या बता दिया, ऐसी कनेक्ट करके फील लेके पढ़ोगे तो आपको बहुत सही लगेगा। ठीक है, तो ये राइटर जो है ये नेपाल के राइटर है, एंड ही सेइंग दैट साउथ एशिया इज नॉट वर्स्ट अफेक्टेड बाय द COVID-19। ओके, सो बेसिकली ही सेइंग दैट बट वी आर मोर बाउंडेड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकली वी आर मोर बाउंडेड। COVID-19 से हम लोग उतना बाउंड नहीं हुए हैं, हम लोग ज्यादा बाउंड हुए हैं सोशियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है और इकोनॉमिक सिचुएशन जो यहाँ पर है। फिर कह रहा है कि होल्डिंग द लार्जेस्ट वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया आर लुकिंग इनटू अ बेस। तो कह रहा है कि अब साउथ एशिया में आपने मैप देखा, अब आप जानते हो कि साउथ एशिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा, देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, ठीक है, और ये देखिए सब ये पॉपुलेटेड एरियाज है ये सब बहुत ज्यादा। तो ये कह रहा है और कह रहा है कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और पॉवर्टी इतनी ज्यादा है इस एरिया में, तो ये जो एबिस ऑफ डिस्ट्रेस है, अबिस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डीप, एकदम चलते चले जाना, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस है कि दिख नहीं रहा कितना डिस्ट्रेस है, बहुत ज्यादा एकदम दुख है इकोनॉमी वगैरह में सब में, इतना ज्यादा डिस्ट्रेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे कह रहा है कि डायर साइन का मतलब होता है कि नॉट गुड। तो बेसिकली इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो COVID-19 का जो पैंडेमिक फैला हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ क्योंकि इस आर्टिकल में उतना फैक्ट है नहीं, जहां पर फैक्ट होगा वो मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी थीम आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ पूरी आर्टिकल ही क्या है। कह रहा है कि यहाँ पर आर्टिकल में कह रहा है कि जो कंट्रीज है, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रही है, सेंट्रलाइजेशन कर रही है अपने पावर को COVID-19 के उसमें, कि COVID-19 फैला हुआ है और सारी पावर जो है हम लोग अपने हाथ में एक्युमुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि जो साउथ एशिया में जो पेंडेमिक है, दिस शुड बी टेकन एज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस बियॉन्ड पब्लिक हेल्थ। कह रहा है कि हम लोग को पब्लिक हेल्थ से आगे बढ़कर सोचना चाहिए
और हम लोग को देखना चाहिए कि प्लास्टिक पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, हाईजैकिंग ऑफ द कॉमन्स, डर्टी वाटर, टॉक्सिक एयर, अ वीकनिंग ऑफ द वेलफेयर स्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेप्शनलिज्म, ऑल दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ, नॉट ओनली द पब्लिक हेल्थ बट दीज आर द एरियाज दैट वी शुड बी वर्किंग एंड रैपिडली मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट. ये कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि हम लोग को इसमें काम करना. देखिए अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो इसमें एंथ्रोपोसीन एक वर्ड होगा. देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड में इसका मीनिंग भी लिख दिया आगे, अभी आप इसको पढ़िएगा अपने आप पहले, ठीक है. ये रिलेटेड होता है जो अभी रिसेंट में हम लोग का शुरू हुआ है, पीरियड शुरू हुआ है. बहुत सारे पीरियड होते हैं, इपोच, एरा, ये सब जोग्राफी में आपने देखा होगा, उसी तरह एंथ्रोपोसीन भी ये कह रहा है, ठीक है. तो ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पर ये बैड साइंस वगैरह बात करता है. फिर कहता है डायर टेलीग्राम, एक हम लोग को बहुत ही दुख भरा, दर्द भरा टेलीग्राम इज सेंट बाय द अर्थ टू ह्यूमैनिटी, COVID-19 हैज लेट बेयर डेमोग्री. देखिए इसका भी हमने मीनिंग इसमें लिख दिया है ब्रैकेट में, जो हमको लगा कि आप लोग को इजी रहेगा पढ़ने में, उसका भी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है. इस तरीके की इसमें बात कर रहा है कि हम लोग को यहाँ पर क्या क्या काम इसमें करना चाहिए. फिर ये देखिए अब यहाँ से वो ये बात करने शुरू, वही बात करना शुरू करता है, मेन पॉइंट यही से शुरू होता है बात करने का. कह रहा है कि COVID-19 की आड़ में क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना मेन, उसने सारी पावर अपने हाथों में ले ली है. स्टेट्स को पावर जबकि देनी चाहिए, ये पावर अपने हाथों में घसीट रहा है और उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ रही है. तो उसने 3-4 एग्जाम्पल भी दिए कि कैसे ये काम कर रहा है. कह रहा है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है, इनमें ये भी है यही काम कर रहे हैं. इन्होंने क्या किया, गोटाबाया राजपक्षे ने COVID-19 के चलते वार क्रिमिनल को फ्री कर दिया अपनी कंट्री से कि तुम लोग जाओ, क्या कहते हैं, और छोड़ दिया. और ये बोलते हैं कि उन्होंने COVID-19 की वजह से छोड़ा है. तो एक तरीके से इन्होंने थोड़ा मिसयूज किया, वॉर क्रिमिनल थे और हो सकता है कि अंदर अंदर इनके कुछ सेटिंग हो, तो इन्होंने उनको छोड़ दिया वॉर क्रिमिनल को, ओके. इसी तरीके पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ये सब याद रखिएगा, प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के. अच्छा ये बताइए कि गोटाबाया राजपक्षे जो है प्रेसिडेंट है, पीएम कौन है श्रीलंका के, श्रीलंका के पीएम कौन है, अभी बता सकता है. चैट बॉक्स, श्रीलंका के पीएम, हाँ महेंद्र राजपक्षे, वेरी गुड दिव्यांकर गुप्ता, महेंद्र राजपक्षे, ओके नाइस. चलिए आपको ये पता है. अच्छा फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि इन पाकिस्तान द आर्मी हैज प्राइम मिनिस्टर, तो आपको पता है कि इमरान खान है. अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि ये प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान के, जल्दी जल्दी टाइप करिए कौन है प्रेसिडेंट, अगर कोई बता सकता है फिर तो मैं बता दूंगा कौन है, ठीक है. 10 तक काउंट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आरिफ अलवी, वेरी गुड. ईशा उमर, आरिफ अलवी जो है वो प्रेसिडेंट है. ये आप लोग नोट करते जाएगा, जैसे सब लोग हो ना आप लोग, तो देखते रहिएगा कि कौन किसने आंसर दिया है, ओके. सो ये हो गया. और इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ये देखिए दिए हुए हैं केपी शर्मा ओली ने. केपी शर्मा प्राइम मिनिस्टर है केपी ओली नेपाल के, और प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के, ओके. यू कैन टाइप हियर, मैं 10 तक फिर से काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 9.75, 10, ओके, ठीक है. जो नेपाल के प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं, नोट कर लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा, ठीक है. तो यही है. और तो ये सब लोग थोड़ा मिसयूज कर रहे हैं COVID-19 के आड़ में, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं. तो देखिए इमरान खान का जो है वहां पर क्या चल रहा है, आर्मी का ज्यादा होल्ड रहता है पाकिस्तान में, तो वो लोग अपना जो है टेक ओवर करने में लगे हुए चीजों को, ठीक है. फिर ये यही यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन थी आर्टिकल में, तो आप लोग का ये इतना रिवाइज हो गया, ठीक है. और आप लोग देखोगे जब वहां पे ऑप्शन, तो आप लोग को याद आ जाएगा, ठीक है. आगे के पार्ट में आर्टिकल जो कहता है कि इंडिया जो है बेसिकली सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है, इंडिया को बेसिकली सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है. और जैसे सॉफ्ट पावर क्या होती है, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान
loves Indian Bollywood, loves Indian cricket. So these are the soft powers. तो सॉफ्ट पावर से हम लोग जो है दूसरे को वो कर लेते हैं, अपने अपने साथ मिला लेते हैं सॉफ्ट पावर। ये यूएसए हो गया और ये अदर कंट्रीज ये सब है, थोड़ा ये हार्ड पावर है। हार्ड पावर होता है जो मिलिट्री पावर है। तो ये जो नेपाली राइटर है ये बोल रहा है कि इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम हार्ड पावर और उसकी वजह से काफी मैसअप हो रही है चीजें, और इंडिया जो का जो मेन मेन चीज है वो है सॉफ्ट पावर, उसकी वजह से इंडिया ज्यादा जाना चाहता है, उस पर इंडिया को ज्यादा काम करना चाहिए। ठीक है, देखिए वही सब लिखा हुआ आगे कि सेल्फ करेक्शन करना चाहिए और गांधी जी की लीगेसी थी उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी ये थोड़े फैक्ट थे तो इसीलिए मैं यार आर्टिकल थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था। और आगे आर्टिकल में वही लिखा हुआ है कि इंडिया को जो है पावर जो है ज्यादा नीचे डिवॉल्व करनी चाहिए, लोकल्स को पावर ज्यादा देनी चाहिए ताकि इस पैंडेमिक से लड़ा जा सके। बाकी और भी है नहीं, एक टर्म है यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जैसे अगर आप बहुत सारा कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, और उसकी अगर कॉस्ट को आप जो है वो कम कर दो और प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो ज्यादा हो सके कम कॉस्ट में, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, ये होता है। बाकी इस आर्टिकल में ऐसा कुछ है नहीं, यही मेन था कि उसको पुश कर रहे हैं इंडिया को कि आप लोग ऐसा मत करिए, वही ये पॉइंट कि हम लोग हार्ड पावर क्यों ना बने, बन सकते हैं। अच्छा, ऊपर एक ग्रीन हाउस गैस करके टर्म दिया हुआ था, ठीक है, उसको मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया है ग्रीन हाउस। ये आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ग्रीन हाउस गैसेज में ये चार गैसेज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, ग्लोबल वार्मिंग था ऊपर टर्म। और ये देखिए ग्रीन हाउस गैसेज के आप नाम चार याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, वो पूछेगा आपसे कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वो आपको कंफ्यूज करेगा, ये बहुत कॉमन है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्टली एग्जाम्स मैंने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड डाल के कंफ्यूज कर देते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज मैंशन समवेयर, तो यूनाइटेड नेशन देर आर फाइव परमानेंट मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर हैं पर ये पांच परमानेंट मेंबर हैं, इनके नाम आप याद रख सकते हैं, चाइना, यूएस, फ्रांस, यूके, रशिया, ये फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं। ओके, ठीक है, तो वापस आते हैं। अब एक दो चीजें पहले की थी वो मैं आपको बता देता हूँ, अभी टाइम है और कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप, दो मिनट में आपको दे रहा हूँ, 11:31 हो रहा है, दो मिनट में आप कुछ लिख सकते हैं अगर आपको कुछ कहना हो अपने साइड से। किसी तरीके का कुछ डाउट या कुछ आप चाहते हो कि मैं ये भी कर दूं, मैं वो भी कर दूं, मैं सब कर दूंगा, बस आपको पढ़ना है और याद रखना है। कुछ लिखना चाहते हो आप लिख लीजिए, चैट बॉक्स ओपन है और मैं इम्प्रूव कर लूंगा फिर। कुछ नहीं कहना किसी को? अच्छा, समझ में तो आ रहा है ना जो पढ़ाया आज, काफी इंफॉर्मेशन थी आर्टिकल में इस कल के। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए आपको कुछ और बढ़िया चीजें दिखाता हूँ। आप प्लाज्मा थेरेपी बहुत सुन रहे होंगे, थोड़ा सा प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बता देता हूँ, आगे अभी बहुत टाइम तक वो चीजें सुनोगे आप प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, तो उसमें प्लाज्मा क्या होता है ये बता देता हूँ, हो सकता है आपसे पूछ दे। हाँ, इसको मैं आज देखता हूँ, अगर इसका कोई आर्टिकल होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो मैं इसका बाकी न्यूज़पेपर से देख, अगर किसी में होगा आर्टिकल तो मैं कल इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, स्लाइड बना कर दूंगा। अभी ऐसे करूंगा तो फिर दोबारा करना पड़ जाएगा। नैम के बारे में तो मैं अभी आपको सब बता दूंगा कि कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे क्या हुआ, इंडिया कैसे मूव हुआ, जब से हुआ सब बता दूंगा, लेकिन मैं स्लाइड के थ्रू बताऊंगा तो आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मैं वो स्लाइड आपको ग्रुप में दे दूंगा, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है नितेश, इसको मैं डिस्कस कर दूंगा कल पक्का। अच्छा अभी टाइम है तो मैं पहले क्या कुछ था बचा हुआ एक प्लाज्मा के बारे में बता देता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस कर देंगे। अब ये वाला आर्टिकल, ये फूड वाला तो मैंने डिस्कस कर दिया था, एक प्लाज्मा वाला था उसको मैं, ताइवान वाला हो गया था। एक मिनट बस। देखिए ये आला, ये आर्टिकल में थोड़े फैक्ट थे, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ये आला मैं दिखा नहीं पाया था आपको। ठीक है, उस दिन वर्ल्ड बैंक के बारे में था, तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है, इसको आप देखिएगा, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है। देखिए सर कब है क्लैट का एग्जाम, डेट क्या है? अगर आप लोग ज्यादा टाइम दोगे ना तो मैं पीछे के भी टाइम निकाल के आर्टिकल दे दूंगा। डेट डेट कंफर्म आई नहीं है और नया पेपर बनेगा क्लैट का। जो लोग ये कह रहे हैं कि पहले छप चुका है, एक्चुअली ऐसा है नहीं। नहीं ऐसा होता नहीं, देखो जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी तो जो करंट अफेयर है वो हमेशा 10-15 दिन पहले के उससे वैसे ही आएगा, पेपर छपने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इनफैक्ट इनफैक्ट जो क्लैट ने अपना तीसरा मॉक पेपर डाला था वही था क्लैट का पेपर। अब चूंकि उस समय हुआ नहीं इसलिए उन्होंने वो मॉक पेपर की तरह डाल दिया, अब नया पेपर बनेगा। सर स्टार्ट करें? करो, हाँ शुरू करो। ओके ओके। ये देखिए ये था न्यूज़ में, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसको भी मैं शेयर कर दूंगा पीपीटी को, इसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, फिर एक आर्टिकल में नीति आयोग के बारे में दिया हुआ था, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बना है, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। तो इट वाज प्लानिंग कमीशन, रिमेम्बर दिस, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना है। एंड द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके जो पूछ सकता है कि हु इज द चेयर पर्सन पर्सन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर, अवर प्राइम मिनिस्टर इज द चेयर पर्सन ऑफ दिस नीति आयोग। देन इट कैन आस्क यू व्हेन वाज नीति आयोग फॉर्म। सो ये आप सोच के भी कर सकते हो कि गवर्नमेंट 2014 में आई, अब आते ही आते तो रिप्लेस नहीं कर देगी, कोई भी अगर चीज बनानी थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनाने में, तो 1 साल लगभग उनको लग गया। और ये देखिए 2015 में 1 जनवरी को ही इन्होंने ये बना दी। अमिताभ कांत ये जो है इनके, इसके सीईओ हैं। अमिताभ कांत एक आईएएस ऑफिसर है 92 बैच के शायद, तो ये सीईओ हैं। फिर एक आर्टिकल था जिसमें कि रिलीजन के बारे में बात कर रहा था, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, आपका पॉलिटिक पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ये किसका है, कौन से आर्टिकल में आता है राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट? तो ये आर्टिकल 25 में आपको मिलेगा।